हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसका वैकेंसी कौन कौन से कंपनी में आता है, कब कब आता है, इसमें सिलेक्शंस कैसे होता है, सैलरी कितना मिलता है, ये नौकरी कितने समय के लिए होता है, उसके बाद में इसका क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, मतलब सारा कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके नंबर आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इंडिया में जितने भी प्राइवेट कंपनी है, तकरीबन सभी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब आता है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी आता है। दोस्तों ये वैकेंसी कब आता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारा कंपनी अपना रिक्वायरमेंट के आधार से, अपना जरूरत के आधार से वैकेंसी को लाती है। तो अब आप लोग के मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपनी में वैकेंसी कब आया है। तो दोस्तों इसका हम आप लोगों को कुछ उपाय बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप पता कर सकेंगे कि इसका वैकेंसी कब कब आता है। तो सबसे पहला आपको पेपर पढ़ते रहना होगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी निकालती है तो वहाँ पर पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है कि इस कंपनी में इतना लड़कों का जरूरत है या इतना बंदा का जरूरत है कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने के लिए। तो आपको पेपर रोज दिन पढ़ना होगा, उसके बाद में आपको कोई जॉब एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों बहुत सारा ऐसा जॉब एप्लीकेशंस है जहाँ पे बहुत अलग अलग वैकेंसी के बारे में अपडेट किया जाता है कि अभी इस कंपनी में वैकेंसी आया है, अभी इस कंपनी में वैकेंसी आया है। तो वहाँ से भी आप लोगों को ये पता चल जाएगा उस एप्लीकेशंस के माध्यम से कि अभी कौन से कंपनी में वैकेंसी चल रहा है। उसके बाद में आप कोई परफेक्ट यूट्यूबर का वीडियो देख सकते हैं जो जॉब के बारे में आपको अपडेट करते हैं, खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब के बारे में। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आप लोगों को कोई भी कंपनी में इस तरह का वैकेंसी आता है तो हम अपडेट करते रहते हैं, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं। उसके बाद में जिस भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप विजिट करते रहिए, वहाँ पे भी इसके बारे में पता चल जाता है कि अभी इस कंपनी में इतना लड़का का ज़रूरत है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो वहाँ से भी, यानी उसके वेबसाइट पे भी आप ये सारा चीज़ जान सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब को फाइंड करने के लिए, वो आपका फैमिली फ्रेंड्स, यानी कि फैमिली मेम्बर्स और आपके दोस्त यार, ये सब के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पता कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यदि आपके फैमिली में या फिर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में या फिर उसके रिश्तेदार कोई भी इस तरह का कहीं जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों को ये पता होता है कि अभी इस डिपार्टमेंट में 2 लड़के का 4 लड़के का 10 लड़के का ज़रूरत है, या फिर इतने लड़कियों का ज़रूरत है जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सके। तो वहाँ पर वो लोग, जैसे क्या होता है कि जहाँ पे कम लड़कों का ज़रूरत होता है, मतलब कम रिक्वायरमेंट होता है 2, 4, 10, 20, तो ये सब एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। तो ये सब फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के माध्यम से आप पता कर पाओगे कि अभी वैकेंसी आया, और आप वहाँ पे जा करके इंटरव्यू वगैरह दे पाओगे। दोस्तों अब हम बताते हैं आप लोगों को कि इसमें सेलेक्शंस प्रोसेस क्या है, मतलब सेलेक्शंस होता कैसे है। मान लीजिए कि कोई भी कंपनी में वैकेंसी आया, आपको पता भी चल गया, अब आपको वहाँ पे बुलाया गया है कोई डेट को, आप फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद तो आपको वहाँ जाने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में क्या, मतलब किस किस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट होना होगा। तो आप लोगों को बता दें कि एक तो इंटरव्यू होगा और दूसरा स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों इंटरव्यू के ऊपर हम पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आपको कैसे कैसे जवाब देना है, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला हो गया इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपसे स्किल टेस्ट लेगा। स्किल टेस्ट कहने का मतलब है कि आपसे कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम करवाएगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट चेक करेगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है, जैसे वर्ड पेड, नॉट पेड, उसके बाद में बहुत सारा विंडोज़ वगैरह कुछ कुछ चीज़ आपको करने के लिए कहेगा, कुछ मेल भेजने के लिए कहेगा, कुछ प्रिंट आउट निकालने के लिए कहेगा। तो मतलब कुछ बेसिक सा चीज़ आपसे पूछेगा और वहाँ पर करने के लिए भी कहेगा। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट। तो ये दो तरीके से आपका एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शंस होगा। दोस्तों अब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि एक प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर को कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों प्राइवेट कंपनी में
कोई भी जब काम करता है तो ये डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे आपको इतना सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर प्राइवेट कंपनी अपना ज़रूरत के अनुसार से लड़कों को भर्ती करता है और उसी अनुसार से वो सैलरी भी देता है। तो वो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी डिपेंड करेगा, उसके बाद में आपका नॉलेज के ऊपर भी थोड़ा सा सैलरी डिपेंड करेगा। तो ये सब पूरा ओवरऑल देखा जाता है, उसके बाद ही कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपको इतना सैलरी देगी। तो ये मान के चलो कि यदि आप कोई छोट मोट कंपनी में ये जॉब पकड़ते हैं या फिर ये जॉब आपका लगता है, तो 8-10 हज़ार रुपये से शुरू होकर के ये आपका 30-35 हज़ार, यहाँ तक कि 40 हज़ार रुपये, यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा सैलरी एक कंपनी में मिलता है कंप्यूटर ऑपरेटर को। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंपनी है, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, क्योंकि दोस्तों इस फील्ड में ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड बंदा को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को पहले से ये सारा काम, मतलब एक कंप्यूटर ऑपरेटर को जो जो काम करना पड़ता है वो पता होता है, जिसके कारण से उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो यदि आप फ्रेशर्स हैं, यानी कि आप अभी तक कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब नहीं किए हैं और आपको इस फील्ड में जाना है, अपना करियर बनाना है, तो दोस्तों ये एक मेरा एडवाइस है कि आप सबसे पहले ज़्यादा सैलरी के चक्कर में ना रहें। कहीं भी आपको ये जॉब मिलता है तो आप वो जॉब पकड़ लें, उसको 6 महीना साल भर वहाँ पे करें, भले ही सैलरी कम क्यों ना मिले, लेकिन वहाँ पे आप काम करके उस काम को पूरा सीख जाइए। जब आप सीख जाइएगा उसके बाद आपको कभी बड़ा कंपनी में मौका मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ जाइएगा ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस 99% बढ़ जाता है। उसके बाद में आपको जो सैलरी ऑफर किया जाएगा वो भी अच्छा खासा सैलरी ऑफर किया जाएगा, 20-25 हज़ार रुपये तो खूब आराम से आपको ऑफर कर दिया जाएगा एक बड़े कंपनी में, यदि आप इस पद पे जाते हैं तो। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर को विदेश में भी एक अच्छा खासा डिमांड होता है, खासकर खाड़ी देश में। तो यदि आप यहाँ पे काम करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आपको विदेश में भी काम करने का मौका मिल जाएगा और वहाँ पे आपको एक अच्छा सैलरी, मोटा सैलरी मिलेगा भारतीय रुपीज़ के अनुसार, क्योंकि हम बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग जीरो से शुरू करके आज विदेश में काम कर रहे हैं इस फील्ड में, खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर के फील्ड में। यहाँ तक कि और भी अलग अलग फील्ड में हम देखें जहाँ पे वो लोग यहाँ पे 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया सैलरी मिल रहा था, लेकिन जैसे ही विदेश गए तो तकरीबन 30 हज़ार 35 हज़ार इस अनुसार से सैलरी मिलने लगा है भारतीय रुपीज़ में, यदि उसको कन्वर्ट कर दे तो। तो ये रहा आपको कि कितना सैलरी मिलेगा। अब ये बताते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर का नौकरी कितने समय के लिए होता है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। यदि आपका जॉब डायरेक्ट कंपनी के अंडर में लगा है तो आपका जॉब 60 साल तक रहेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में। यदि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तभी आपको कंपनी 60 साल तक नौकरी पर रखेगी, उसके बाद यदि कंपनी लॉस में जा रही है तो कर्मचारियों की छटनी शुरू कर देती है, जो कि आप लोग कोरोना काल में अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो छटनी यदि हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहेगा तो हो सके आपको निकाल दिया जाए, लेकिन ये मान के चलो कि यदि आप डायरेक्ट कंपनी में आपका जॉब लगाए तो आपका नौकरी 60 साल तक रहेगा। लेकिन यदि आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपको जॉब लगा है तो वहाँ पे आपका जॉब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इसी अनुसार से रहता है, क्योंकि होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आपको इतना साल तक या इस ऑफिस का काम करना है। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का भी ऑप्शंस मिलता है। यदि उसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया गया तो आपका नौकरी बचा रहेगा अगला 4-5 साल के लिए, लेकिन यदि उस कंपनी को रिन्यू ना करके कोई दूसरा कंपनी को दे दिया जाए या दे दिया जाता है तो फिर जो पिछला कंपनी का जितना सारा बंदा होता है उसको वो कंपनी निकाल देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि आप जाते हैं तो आपका नौकरी 4 साल 5 साल मैक्सिमम इतना ही रहने वाला है। दोस्तों ये रहा कि आपका नौकरी कितना साल तक रहेगा उसके बारे में। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हम 10th पास है, मेरा इस फील्ड में जॉब होगा या नहीं, हम 12th पास है, हम डिप्लोमा किए हैं, मेरा इस फील्ड में होगा नहीं होगा, हमको कंप्यूटर का ये चीज़ आता है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले कम से कम आपका पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए 10th पास। यदि आप 12th या फिर ग्रेजुएट हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन मिनिमम आपके पास 10th पास क्वालिफिकेशंस होना ही चाहिए। उसके बाद में
कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ऑपरेट करना, उसके बाद में उसमें जो छोटा छोटा फंक्शंस होता है जैसे कि प्रिंटिंग, मेल, मैसेज, उस पर वर्ड पेड, नॉट पेड, यानी कि मैसेज टाइप करना, लेटर बनाना, उसके बाद में कुछ ऑफिस का डाटा वगैरह है तो उसको एंट्री करना, उसके बाद कुछ उसका डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको संभाल के रखना, तो ये सब चीज़ कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मतलब ये सब आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी जा करके जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम आप स्किल टेस्ट में पास कर पाओगे। तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए तभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर पाइएगा। तो दोस्तों ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा और हम कोशिश किए कि बहुत ही आसानी से समझा दें आप लोगों को। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आपको वहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, यानी कि कमेंट में भी हम आप लोगों को जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई जॉब से रिलेटेड या फिर उस जॉब में सिलेक्शंस कैसे होता है इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।